दोपहर के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग निकल पड़े हैं। और सफ़र तो मतलब ऊपर तक जाना है, लेकिन कैसे ना कार रास्ते में वीडियो वीडियो बनाते जाएंगे, यूट्यूब पे डालना है। पूरा देखिए वो शिव जी का मंदिर, यहाँ पर लोग आते हैं बहुत सारे लोग पर पूजा करने के लिए। और ये रहा घर, जहाँ पर जो ड्यूरिंग द मतलब शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर बहुत गर्दी होती है, और फेस्टिवल्स के टाइम पे, और बाकी समय तो यहाँ पर जो पुजारी लोग रहते हैं उन लोग रहने वाले लोग। और यहाँ पर बहुत बढ़िया गार्डन है, गार्डन नहीं क्या तक ऊपर तक तो हम लोग पहुँच गए। इसको माथा कहते हैं, मतलब एक लाइन है पहाड़ का, पूरा टिकड़ी से भरा लाइन है, ये पूरा टिकड़ी टिकड़ी जाता है, और ये टिकड़ी वहाँ पर है। लेकिन वो कैसा उसे टक लगे कहते कि वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, पेड़ वही छोटी छोटी घास फूस एकदम। यहाँ से शायद से आप लोग को दिख रहा होगा एकदम ऊपर है, तो अभी वहीं पर मुझे जाना है, लेकिन मैं भी उन लोगों के साथ ही रहता, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो गया। मैं आपको ना वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ पर हम लोग हर बार जाते हैं ना तला, उसको कहते हैं, तो कब कुछ पता। देखिए शाम का व्यू ऑसम व्यू रहता है यहाँ का पूरा। अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ना वहाँ पर भी जाना है। जो पानी पानी दिख रहा है वही तालाब है। तो हम लोग जस्ट टेकड़ी के नीचे ही है, ऊपर टेकड़ी है, शायद सबको दिख रहा होगा। मैंने पता है यहाँ से ड्यूल व्यू क्यों चालू किया, क्योंकि यहाँ पर देखो नज़ारा देखो पीछे का, आप मेरी पीछे का नहीं बैकग्राउंड का नज़ारा देखो, वो तालाब है। और जस्ट लोकेशन देखो, इतना शाम के टाइम पे यहाँ पर बेस्ट लोकेशन रहता है ना, और ये ऊपर का जहाँ पर हमें जाना है, इसे आप कह सकते हो डायरेक्ट 90 डिग्री का चढ़ान है। बहुत बहुत थकान देने वाला चढ़ान है, लेकिन कहते ना मंजिल बहुत खूबसूरत है, तो सफ़र का तो मज़ा लेना ही पड़ेगा। बादल देखिए आप लोग यहाँ से, लेकिन जो आँखों से देखने का नज़ारा है ना, यहाँ पर दो तालाब और आपको दिख रहे होंगे, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शायद आपका हवा का हवा सुनाई दे रहा रहेगा, देखो कैसे दिख रहा है। यहाँ पर और एक लड़का है, यहाँ पर हवा तो इतना तेज बहता है ना, कभी भी आप आओ एनी टाइम एनी सीजन, यहाँ पर हवा तो आपको हमेशा ऐसी फ्रेश मिलते रहेगा, फ्रेश का हवा का तेजी आप सब लोग देख ही सकते हो, नज़ारा देखो आप। पर आपको हवा तो दिख रहा होगा कितना तेज़ी से बह रहा है, और बहुत तेज़ी से ऐसे यहाँ पर हवाएं बहते रहते हैं। यहाँ पर ये सेव नेचर ने प्लास्टिक उड़ा के कचरा कर रहा था, मैंने उसको रोक दिया। शायद से मैं आपको नहीं दिख रहा रहूँगा, लेकिन पीछे का आप नज़ारा देखोगे ना, ये जो थाने से फिर रात के टाइम का नज़ारा, यहाँ पर अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन नज़ारा आप देखो। और यहाँ पर से नीचे जाने में डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि शाम के 7:30-8 बज चुके रहेंगे, और नज़ारा देखो आप, मैं आपको ना बैक व्यू से नज़ारा दिखा था। शाम के 8 बज चुके रहेंगे, और टाइम तो बहुत अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ना लाइट देखो पीछे एकदम पूरा हमारा थाने सिटी है,
और पीछे साइड तो पूरी जंगल ही जंगल है, वो कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं उस साइड टर्न ही कर रहा हूँ। और रात भी बहुत हो चुका है, डर भी लग रहा है, लेकिन अभी ब्लॉग बनाने के चक्कर में इतना लेट हो गया है। चलो फिर ब्लॉग को एंड करने टाइम हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, बाय।